क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले ऋतिक रोशन के परिवार के साथ कैसे हैं नई गर्लफ्रेंड सबा आजाद के रिश्ते? वायरल हुआ ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड और उनकी फैमिली के साथ ये फोटो। तस्वीरों में ऋतिक और सबा नजर आए बेहद खुश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जमाना ऐसा भी था जब ऋतिक रोशन की एक्स गर्लफ्रेंड कंगना रनौत ने सुनाई थी उन्हें जमकर खरी खोटी और भेजना पड़ा था ऋतिक रोशन को इसके चलते नोटिस। वेल, क्या ये पूरा मामला, आइए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी की इस रिपोर्ट में। वेल, बॉलीवुड के हैंडसम हंक कहे जाने वाले ऋतिक रोशन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। इन दिनों ऋतिक रोशन की शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है, जिसे लेकर फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऋतिक रोशन सबा आज़ाद को डेट कर रहे हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में ये कपल इसलिए है क्योंकि 49 साल की उम्र में ऋतिक रोशन दूसरी बार शादी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शादी से पहले ही ऋतिक रोशन के परिवार के साथ में सबा आज़ाद के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। जब भी ऋतिक रोशन के घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है तो वहाँ पर सबा को ज़रूर देखा जाता है। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन की बहन सुनैना का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी जानकारी ऋतिक रोशन की माँ पिंकी रोशन के इंस्टाग्राम हैंडल से मिली। पिंकी रोशन ने अपनी बेटी सुनैना को बर्थडे पर विश करते हुए एक पोस्ट लिखा, जिसका कैप्शन भी दिल छू लेने वाला था। इतना ही नहीं, इस फैमिली पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ था ये जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दें कि इस पार्टी में ऋतिक रोशन की फैमिली के साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद भी मौजूद थी। इस बर्थडे पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि सबा आज़ाद ऋतिक रोशन की पूरी फैमिली के साथ में नज़र आ रही हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात तो यह है कि ऋतिक रोशन ने सबा के कंधे पर हाथ भी रखा हुआ है, जिसे पता लगाया जा सकता है कि दोनों में कितना ज़्यादा प्यार है। इसी के साथ साथ इन तस्वीरों के ज़रिए ये भी देखा जा सकता है कि ऋतिक रोशन ने पूरी तरह से सबा आज़ाद को अपना लिया है। गौर करने वाली बात है कि सबा आज़ाद का ऋतिक रोशन की फैमिली के साथ बॉन्ड बढ़ते जा रहा है। इन दिनों ऋतिक रोशन सबा आज़ाद के साथ में अधिकतर देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, वो आए दिन किसी न किसी कारण की वजह से स्पॉट भी किए जाते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन और सबा दोनों को एक ही साथ में फैमिली फंक्शंस और पार्टी करते हुए भी देखा गया है। सबा आज़ाद को ऋतिक रोशन की फैमिली काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और उन्हें हर एक फैमिली फंक्शंस में देखा जाता है। इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऋतिक के साथ साथ सबा उनके परिवार के भी काफ़ी क्लोज हैं। कुछ लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि इसी साल दोनों की शादी भी हो जाएगी। ऐसे में फैंस दोनों की शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं अगर बात करें हम ऋतिक रोशन के पास्ट की, तो ऋतिक रोशन ने सबा से पहले कंगना रनौत को डेट किया था। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के अफेयर को लेकर आज तक विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने दावा किया था कि ऋतिक रोशन की पहली पत्नी सुजैन खान से तलाक हो जाने के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन कंगना रनौत का कहना था कि जैसे ही तलाक हुआ तो ऋतिक ने पूरी तरीके से मुझसे मुंह फेर लिया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 में ही ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने तलाक ले लिया था। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स का नाम दे दिया था, जिसके बाद ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को एक लीगल नोटिस भेजते हुए माफ़ी मांगने को कहा। लेकिन एक्ट्रेस ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया और ये विवाद अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। हालांकि ये तो बात रही बीते कल की, लेकिन आज के समय में ऋतिक रोशन सबा आज़ाद के साथ बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और उनकी फैमिली के साथ भी बॉन्डिंग और भी बढ़ते जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों रूमर्ड कपल शादी के बंधन में बन जाएंगे। वेल, जिस तरह से ऋतिक रोशन की लव लाइफ चल रही है उस पर आपकी क्या राय है, हमें स्टूडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।